If you are preparing for UPSC and don't know how to write a good mains answer, then yes, this video is for you. Hello everyone, my name is Manish Mishra and I'll be your mentor for UPSC GS2 mains. And in this video, we will discuss how we can write a good answer to a particular mains question. So let's begin with the session, guys. But before we begin, if you are coming here for the first time, do subscribe to our channel so that you can get all the latest notification of all the latest videos. So let's begin with the session, guys, and let's do this question. This question, guys, was asked in the year 2020 mains exam GS2. GS2 paper mein ye question aaya tha, and remember, this is from the governance and social justice part of governance and social justice. And more precisely, if we say, it is from social justice part of GS2 paper, alright. So let's read out the question and then let's talk about ki kis tarike se main answer ko approach kar sakte hain. In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate healthcare policies are needed, particularly in the fields of geriatric and maternal healthcare. Discuss. Now, geriatric ka matlab hota hai old age. To sabse pehle to hume sare shabdon ka matlab pata hona chahiye in the question. Tabhi hum us question ko kuch acche se usme kuch apne inputs de payenge. Agar hamari vocabulary weak hai, to sabse pehle jao apni vocabulary ko strong karo. तो जीरियाट्रिक का मतलब क्या होता है ओल्ड एज और मेटर्नल का मतलब तो हमें पता ही है रिलेटेड टू मदर. नाउ अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है किसी भी आंसर को हमें स्टार्ट करने से पहले कुछ सेकंड्स 10-15 सेकंड्स हमें अपने लगाने होते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि कीवर्ड्स क्या क्या है. सो वी हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स. तो लेट्स टॉक अबाउट द कीवर्ड्स. सो इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सो सबसे पहली बात किसकी हो रही है सोशल डेवलपमेंट की. So one of the keywords is what? Social development. Sound and adequate healthcare policies. यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बात किसकी की जाएगी healthcare की. Social development में बात किसकी होगी healthcare की बात होगी. Are needed particularly in the fields of geriatric and maternal healthcare. और healthcare में भी specifically किसकी बात होगी old age और maternal healthcare की बात होगी. So बेटा keywords तो जो है वो बहुत ज्यादा clear है. Keywords में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सबसे पहला कीवर्ड है हमारे पास सोशल डेवलपमेंट. सो गाइस सबसे पहला कीवर्ड क्या है सोशल डेवलपमेंट. दूसरा जो हमारे पास कीवर्ड है वो है हेल्थ केयर और तीसरा हमारे पास जो कीवर्ड है दैट इज जेरियाट्रिक एंड मेटर्नल हेल्थ केयर. तो बेसिकली अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं अपना इंट्रोडक्शन, फिर हम लिखते हैं उसकी बॉडी और फिर हम लास्ट में लिखते हैं कॉन्क्लूजन. तो इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत किससे करने वाले हैं सोशल डेवलपमेंट से, क्योंकि वही हमारा जो है इस क्वेश्चन का मेन कीवर्ड है जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा आंसर घूमेगा. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दैट इज द हेल्थ केयर. सो बोथ अराउंड सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर द आंसर विल रिवॉल्व. ओके तो सोशल डेवलपमेंट और हेल्थ केयर से हम शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है हम उस पर जाएंगे इन द बॉडी. एंड वॉट इज द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इट्स वॉट इज द नीड ऑफ जीरियाट्रिक एंड मेटर्नल हेल्थ केयर पॉलिसीज. जीरियाट्रिक और मेटर्नल हेल्थ केयर के एरिया में साउंड और एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज का क्या नीड है. एंड फाइनली हम क्या लिख देंगे कॉन्क्लूजन. गाइज लेट मी टेल यू कि इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन आऊं और हर हफ्ते एक या दो क्वेश्चन डिस्कस करके चला जाऊं. नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव है आपको आपके अंदर जो स्किल्स है उसको डेवलप करवाना और जो जो चीजें मैं आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूं आप प्लीज उस तरीके से अपने आंसर्स को अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद यू विल बी एबल टू राइट गुड मेन्स आंसर. ओके तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, हमें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. कीवर्ड्स हमने आइडेंटिफाई करे उसके बाद हमें क्या लिखना होता है एक इंट्रोडक्शन. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म. लाइक इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हियर यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, व्हाट अ सोशली डेवलप्ड सोसाइटी इज. और दूसरी बात हम इसमें ले सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट का हेल्थ केयर पे क्या क्या रिलेशन है हेल्थ केयर का और सोशल डेवलपमेंट का. तो इसी तरीके से मान लो कि किसी क्वेश्चन में इन एनी अदर क्वेश्चन इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन तो यू कैन स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ओके दिस ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है और ये काम करता है. उसके अलावा अगर कोई किसी एक्ट के बारे में क्वेश्चन है तो यू कैन राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्ट. अगर किसी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है तो यू कैन राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉलिसी. अगर पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यू कैन स्टार्ट विद, अगर पॉवर्टी के मान लो कि पूछे गए कि पॉवर्टी खराब पॉवर्टी जो है हमारे देश में अभी भी इतनी ज्यादा प्रेवलेंट क्यों है तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप किसी भी इंडेक्स का हेल्प लेके उसमें आप लिख सकते हो कि यस ये इंडेक्स जो है वो ऐसा कह रहा है. तो बेसिकली हमें क्या करना होता है इंट्रोडक्शन में जो भी हमारा
मेन कीवर्ड है उसको डिफाइन करना होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस. सो इंट्रोडक्शन में एज आई टोल्ड यू वी हैव टू डिफाइन द मेन कीवर्ड एंड व्हाट वाज द मेन कीवर्ड. इट्स सोशल डेवलपमेंट एंड द नंबर टू वाज हेल्थ केयर. तो सबसे पहले हम ये बता देंगे कि एक सोशली डेवलप्ड सोसाइटी क्या होती है. अ सोसाइटी इज सोशली डेवलप्ड व्हेन इट हैज एम्पल रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग द बेसिक अमेनिटीज हेल्थ एजुकेशन सैनिटेशन वाटर एक्सेट्रा टू इट्स सिटीजन. सो बेसिकली सोशली डेवलप्ड सोसाइटी का हमने क्या करा, डेफिनेशन बता दिया. ये सोशली डेवलप्ड सोसाइटी इज दैट वेयर वेयर इट्स सिटीजन्स हैव ऑल दी हैव द एक्सेस टू ऑल द बेसिक अमेनिटीज लाइक हेल्थ एजुकेशन वाटर सैनिटेशन एक्सेट्रा. एंड आउट ऑफ ऑल द बेसिक फैसिलिटीज दैट अ सोसाइटी नीड द हेल्थ सेक्टर होल्ड्स अ सब्सटैंशियल सिग्निफिकेंस. क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जोड़ना है, हमें बात किसकी करनी है, हेल्थ सेक्टर की बात करनी है. ओके, सोशली डेवलप्ड सोसाइटी के बहुत सारे डायमेंशन हैं बट हियर वी हैव टू टॉक अबाउट ओनली वन डायमेंशन एंड दैट इज द हेल्थ. हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग इक्विटी एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी. तो थोड़ा सा हमने हेल्थ के बारे में बता दिया कि यस, हेल्थ जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सोशली डेवलप्ड सोसाइटी के लिए, और हेल्थ जो है उसका एक सब्सटैंशियल सिग्निफिकेंस है इन टू अ सोशली डेवलप्ड सोसाइटी. सो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग विद द इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी. तो बॉडी में तो बहुत सिंपल ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बात करें तो बॉडी लिखना इसका बहुत आसान है बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट द नीड ऑफ साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज इन द फील्ड्स ऑफ जीरियाट्रिक एंड मेटर्नल हेल्थ केयर. तो बेसिकली हमें क्या करना है, नीड ऑफ साउंड एंड हेल्थ केयर पॉलिसी इन द ओल्ड एज सेक्टर लिखना है और दूसरा मेटर्नल हेल्थ सेक्टर लिखना है. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो जो थोड़ी थोड़ी नीड्स है उन दोनों सेक्टर्स में हम वो बता देंगे एंड देन जो हमारी बॉडी है दैट विल बी कंप्लीटेड. सो लेट्स टॉक अबाउट द नीड ऑफ हेल्थ केयर फॉर जीरियाट्रिक विच मीन्स द ओल्ड एज पीपल. नंबर वन, द एल्डरली पीपल आर प्रोन टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस, ऑफकोर्स वी ऑल नो दिस. नंबर टू, पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल हैज बीन ट्रिपल्ड इन लास्ट 50 ईयर्स. नंबर थ्री, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर एक्सट्रीमली कॉमन इन द ओल्ड एज. एंड नंबर फोर, प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस एज वेल एज हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स आर मच हायर इन द ओल्ड एज. सो दीज आर द फोर पॉइंटर्स विद विच यू कैन टेल द एग्जामिनर की ओके दीज आर द नीड फॉर अ साउंड हेल्थ केयर पॉलिसी इन द ओल्ड एज सेक्टर. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेटर्नल, तो मेटर्नल हेल्थ केयर के आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं क्योंकि मेटर्नल हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत सारा डेटा हम NFHS से उठा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे इंडेक्सेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट्स है, नेशनल जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसकी रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी. क्वालिटी ऑफ लाइफ सेविंग हेल्थ इंटरवेंशन एंड प्रैक्टिस रिमेन्स लो ड्यू टू गैप्स इन नॉलेज पॉलिसीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ऑफकोर्स इन आर कंट्री देर इज अ ह्यूज गैप इन द नॉलेज इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन दिस सेक्टर ऑफ मेटर्नल हेल्थ केयर. नंबर टू, SDG टारगेट. सो एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वी ऑन लो MMR, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो. ऑफकोर्स हमें बताना पड़ेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटर्नल हेल्थ केयर. तो मेटर्नल हेल्थ केयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो की बात तो करनी ही पड़ेगी, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट. सो अकॉर्डिंग टू SRS फॉर 2016 and 18 द मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो इज 113 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स. बट जो हमारा SDG का टारगेट है दैट इज बाय द ईयर 2030 वो कितना है, 70 MMR है. तो अभी हम उससे बहुत दूर हैं बट येस वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन. हम जो हमारे जो अप्रोच है वो राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ चुकी है और हम काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं इन दिस सेक्टर. बट येस अ लॉट नीड्स टू बी डन. नंबर थ्री, डेटा फ्रॉम NFHS 5. एज पर दी NFHS 5 इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज ओवर 90% इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स बट स्टेट्स लाइक बिहार एंड नागालैंड स्टिल लैक. तो देखो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी. हम ये नहीं कह सकते कि ओके पंजाब एंड हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात तो ठीक चल रहे हैं लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश और ओडिशा में अभी चीजें ठीक नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं हो सकता. सो ओके कि NFHS 5 हमें कहता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 90% से ज्यादा हो गई है बहुत सारे स्टेट्स में, बट येस कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसी हैं जैसे कि बिहार और नागालैंड जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का जो परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा कम है. सो ये भी एक नीड है कि हमें मेटर्नल हेल्थ केयर में इंटरवेंशन जो है सीरियस इंटरवेंशन की जरूरत है. नंबर फोर इज अर्बन रूरल डिवाइड. सो इन रूरल एरियाज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द मेटर्नल हेल्थ केयर इज नॉट एट पार, वी ऑल नो. ऑल्सो एज पर अ रिपोर्ट बाय KPMG एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, 80% ऑफ टोटल डॉक्टर्स आर इन दी अर्बन एरियाज ओनली. और जो
20% डॉक्टर्स है रूरल एरियाज के, वो भी हम जानते हैं कि गाइस बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं। सो 80% डॉक्टर्स कहाँ पे, अर्बन एरियाज में। सो देर इज अ ह्यूज अर्बन रूरल डिवाइड इन दिस सेक्टर ऑफ मेटर्नल हेल्थ केयर। सो और कोशिश ये करा करो, ट्राई टू पुट मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, मोर एंड मोर यू नो रिपोर्ट्स, मोर एंड मोर इंडाइसिस का इस्तेमाल करोगे तो जो आपका आंसर है उसको एक वैलिडेशन मिलेगी। ओके एक एविडेंस बेस्ड आंसर हो जाएगा, देन एग्जामिनर के पास कोई रीजन नहीं बचेगा कि वो आपके मार्क्स काट सके। अगर आप जनरल पॉइंट्स लिखोगे तो इन दैट केस ही हैज अ रीजन कि ओके दिस पॉइंट आई डू नॉट लाइक सो आई विल कट योर मार्क्स। बट इन द केस ऑफ एविडेंस बेस्ड आंसर, अगर आप एविडेंस बेस्ड आंसर लिखोगे जिसमें आप इंडाइसिस का इस्तेमाल करोगे, रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करोगे और जो भी जनरल एग्जाम्पल्स हैं उनका इस्तेमाल करोगे, देन ही विल नॉट हैव एनी रीजन, ही और शी विल नॉट हैव एनी रीजन टू कट योर मार्क्स। ओके अनसेफ अबॉर्शंस, अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2020-21 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 8% ऑफ ऑल द मेटर्नल डेथ्स इन इंडिया आर एट्रीब्यूटेड टू द अनसेफ अबॉर्शंस। अब यहाँ पे देखो मैंने अनसेफ अबॉर्शन एक रीजन लिखा फॉर इंटरवेंशन इन द मेटर्नल हेल्थ केयर, बट अनसेफ अबॉर्शन क्या, उसके पीछे कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने एनुअल रिपोर्ट जो थी 2020-21 की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली की, उसका हवाला देते हुए आई हैव यूज्ड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड देयर दे हैव प्रोवाइडेड दिस डेटा दैट 8% ऑफ ऑल द मेटर्नल डेथ्स इन इंडिया आर एट्रीब्यूटेड टू द अनसेफ अबॉर्शन। सो नाउ हियर दिस पॉइंट इज वैलिडेटेड। एंड देन इम्पैक्ट ऑफ कोविड, वी ऑल नो गाइज द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ कोविड हैज बीन फेल्ट बाय वुमेन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स ड्यू टू हेल्थ सिस्टम बीइंग सीवियर स्ट्रेन ड्यू टू कोविड-19। हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ चुका था जिसकी वजह से मेटर्नल हेल्थ केयर को एक बहुत बड़ा डेंट लगा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो ओवरलोडेड हो चुका था, तो जो हमारे मेटर्नल हेल्थ केयर सेक्टर था उस पर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। सो दीज आर सम ऑफ द नीड्स ऑफ इंटरवीनिंग ऑफ इंटरवेंशन इन द मेटर्नल हेल्थ केयर, ऑफ हैविंग मोर साउंड पॉलिसीज एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज इन द मेटर्नल हेल्थ केयर सेक्टर एंड ऑफकोर्स द जीरियाट्रिक यानी कि ओल्ड एज हेल्थ केयर सेक्टर। नाउ अब जो इस तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें एग्जामिनर ने पूछा है या क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज द नीड, सो इन दैट केस आपको स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट बताने चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों बताने चाहिए, बिकॉज नीड तो आपने बता दी, आपने गवर्नमेंट का बता दिया कि अच्छा ऐसा चाहिए, ये अर्बन रूरल डिवाइड है ये तो गलत बात है, कोविड का इंपैक्ट पड़ा, क्वालिटी खराब है, एसडीजी के टारगेट आप पूरे नहीं कर पा रहे, अलार्मिंग डेटा NFHS 5 से दे रहे हो, तो कुछ तो कर रहे होगे ना। तो वो जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है ना, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि यस गवर्नमेंट खाली नहीं बैठी है, गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठी है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग मेजर स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। सो हेयर ऑल्सो इन दिस टाइप इन दिस क्वेश्चन द नीड वॉज आस्ड अबाउट द इंटरवेंशन इन जीरियाट्रिक एंड मेटर्नल हेल्थ केयर सेक्टर। सो वी हैव टू राइट समथिंग और सम स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर। एंड अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में बहुत ह्यूज काम किया है, स्पेशली इन द मेटर्नल हेल्थ केयर सेक्टर, बट कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि जानबूझ के उन फैसिलिटीज को अवेल नहीं कराना चाहते और जानबूझ के अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, वी ऑल नो दिस इज टू प्रोवाइड एन ईजी एक्सेस टू प्रमोशनल प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव services to the old age people. And while writing the steps taken by the government, you will write the schemes definitely. And about those schemes, you don't have to write everything. Just write one or two lines about that particular scheme. Okay. Rashtriya Vayushri Yojana, this is for providing free physical aids and assistive living devices to the senior citizens. Varishta Mediclaim policy, ₹1 lakh cover for hospitalization and ₹2 lakh cover for critical illness. Under this Mediclaim policy is provided to the old age people. Now this is for the old age people. फिर कुछ हमें old age people का हमने बताया, तो हमें maternal health के बारे में भी बताना पड़ेगा. So PM Jan Arogya Yojana ये दोनों के लिए ही है. 5 lakh rupees is provided to every family for secondary and tertiary treatment. And treatment of course guys is provided irrespective of the age of the family member. ये हम सबको पता है. Then reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health framework RMNCH+A. That was adopted in the year 2013 to address the causes of mortality and morbidity among women and children. Okay, so ye government ne ek bahut important step liya hai, and iske andar all the states and UTs have identified delivery points for providing quality and comprehensive RMNCH. And other important scheme by the government is Surakshit Matritva Ashwasan, which in short is SUMAN. That is to ensure dignified and respectful delivery of quality healthcare to all the women and children at no cost. Then we have
जननी सुरक्षा योजना इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मेटर्नल एंड न्यूनेटल मोर्टलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. ओके एंड दीज आर सम अदर इंपॉर्टेंट स्कीम. अब सारी स्कीम के बारे में गाइस हम बता देंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा बिकॉज देर आर अ नंबर ऑफ स्कीम्स रिगार्डिंग द मेटर्नल हेल्थ केयर. तो हमें सारी स्कीम्स के बारे में नहीं बताना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तीन चार के बारे में हमने बता दिया एंड देन अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स करके हम बाकी स्कीम्स का नाम लिख सकते हैं लाइक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, देन लक्ष्य प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एंड अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम एटसेट्रा. इसके अलावा भी कई हैं बट अननेसेसरी सारी स्कीम्स लिखने का कोई नीड है नहीं बिकॉज इतने में हम अपने आंसर को जो हमारा जो सब हेडिंग है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इतने पॉइंट्स के बाद वो जस्टिफाई हो जाता है. 5-6 points आर मोर देन इनफ. ऑलराइट नाउ लेट्स मूव अहेड टू द कंक्लूजन. सो क्या हमारी बॉडी कंप्लीट हो गई है? यस yes, एक बार चेक कर लेते हैं. तो सोशल डेवलपमेंट हेल्थ केयर से मिलकर हमने क्या करा, हमारा इंट्रोडक्शन लिख लिया. देन वी हैव मूव्ड ऑन टू द बॉडी पार्ट. तो बॉडी इसकी क्लियर थी, बॉडी में हमें बताना था कि वॉट इज द नीड ऑफ साउंड एंड हेल्थ साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसी इन द जीरियाट्रिक एंड मेटर्नल हेल्थ केयर सेक्टर. सो वो हमने बता दी, दोनों की बता दी, जीरियाट्रिक का बता दिया और नीड ऑफ मेटर्नल हेल्थ केयर भी बता दिया. और फिर हमने ये भी बता दिया कि वट आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट. नाउ स्टेप्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इन इफ देर इज एनी क्वेश्चन वेयर नीड फॉर समथिंग इज आस्क्ड, सो इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू राइट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. ओके बिकॉज नीड तो आपने बता दी कि अच्छा ये नीड है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने कुछ तो किया है कि नहीं किया है. एंड फाइनली लेट्स मूव अहेड टू द कंक्लूजन. सो इस तरीके का जो क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ किसी पर्टिकुलर सेक्टर की नीड्स के बारे में पूछा गया है कि अच्छा यहाँ पे इस चीज़ की जरूरत है, तो इन दैट केस आपका जो आंसर है वो कुछ आपका जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि यस गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दिस एरिया एंड गवर्नमेंट इज डूइंग मच एंड देर इज अ मच प्रोग्रेस इन दिस एरिया बट यस अ लॉट नीड्स टू बी डन. समझ गए? ये जो बेसिक मैंने आपको तीन चार दो लाइनें बताई इसी लाइन के अराउंड आपका इस तरीके के क्वेश्चन में कंक्लूजन घूमना चाहिए. और कंक्लूजन में बेसिकली आपको करना क्या होता है, यू हैव टू समराइज एंड यू हैव टू गिव द सजेशन. तो इसमें सजेशन तो कोई है नहीं, तो आप अपने पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो जो भी आपने लिखा है. तो आपने लिखा क्या क्या है, एक तो आपने लिखा है कि स्टेप्स जो भी गवर्नमेंट ने लिए हैं और दूसरा आपने लिखा है कि नीड्स क्या क्या है. तो ये दो चीजें आपने लिखी हैं, तो आपको इन्हीं दो चीजों को क्या करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा. यू हैव टू समराइज दीज टू थिंग्स in your conclusion part. So let's talk about the conclusion then. Government of India has been focusing on initiatives to improve the maternal and geriatric healthcare system in the country. Okay, so Government of India bahut sare initiatives le rahi hai, wo humne bata rakha hai. And much progress has been made in ending preventable maternal deaths and to reduce the maternal mortality ratio. Ye bhi humne bata rakha hai through the needs of maternal healthcare, jahan pe humne bataya tha ki maternal mortality ratio jo hai wo niche aa rahi hai, although there is a need. However, there is a lack of access to effective care on an efficient and equitable basis for the optimization of well-being. Basically, हमने बता दिया कि हाँ ठीक है, government बहुत अच्छे steps ले रही है और इस area में progress भी है, but yes, हमेशा कुछ ना कुछ जो है improvement का scope तो होता ही है. तो वो improvement का scope हमने बता दिया कि yes, देखो sir, improvement का scope तो है. और last में लिख देंगे hence, a lot needs to be done to achieve the targets of National Health Policy and sustainable development goal in this area, which is of course is needed. National health policy और SDG के targets अभी हमारे पूरे नहीं हुए हैं, तो जब तक कि वो पूरे नहीं हो जाते इस area में हमें काम करना ही पड़ेगा. So this is how you can write the conclusion to this answer, and I hope guys ये वाला answer आपको clear है. And that's it for the session. तो तीन चीजें ही होती हैं UPSC के mains answer में जो कि आपके answer को एक खूबसूरत answer बनाती है, और वो तीन चीजें हैं introduction, उसकी body और उसका conclusion. बस अगर आपने ये तीन चीजें लिखना सीख लिया तो आपका आंसर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा. बट ये हाँ इतना आसान नहीं है ऑफ कोर्स, बट यस जो प्रैक्टिस है वो आपको इसमें परफेक्ट बना देगी. डेफिनेटली प्रैक्टिस करते रहो तो डेफिनेटली वन डे यू विल बी एबल टू राइट अ गुड मेन्स आंसर. एंड रिमेंबर इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको एक आंसर हर हफ्ते या एक या दो आंसर लेके आऊँ आपके सामने, बिकॉज आंसर तो आप खुद भी लिख सकते हो. द सोल ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू परफेक्ट इन दिस सेक्टर, इन दिस एरिया, कि आप किस तरीके से अच्छा मेंस का आंसर लिख सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए आंसर के साथ. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.